हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सीधे घर के बाहर करीब में हूँ, घर के बाहर आ चुका हूँ, गेट में भी बाउंड्री वॉल के अंदर ही हूँ। तो व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चे भी स्कूल जाने लग गए हैं। अब पीछे सुबह आंटी लोग ने गेट तोड़ दिया है, तो अब नया गेट बन रहा है, क्योंकि कार जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये छोटा गेट था पहले, पहले के हिसाब से बना हुआ। ये उठ गया है, स्कूल जा रहा है, लेकिन इसने मुंह नहीं धोया अभी तक। ये मुंह तो धो के आता भाई, मुंह भी नहीं धोया स्कूल जा रहे हैं ऐसे। इसने मुंह नहीं धोया, अब नहाएगा क्या? मुझे लग रहा है ये वो बच्चे हैं जो बिना नहाए स्कूल जाते हैं। और ये ऊपर से देख रहे हैं, ये भी खुद उठ रहे हैं अभी। इनको स्कूल में लड़ाई सिखाई जा रही है, लग रहा है पूरा कराटे सीख रहे हैं। पजामा देखो कहाँ जा रही है। बिना नहाए तो गाड़ी में बैठ गए दोनों। हट जाओ गाड़ी से। ये तो बिना नहाए थे बाल लाल भाई, मुंह तो धोया स्कूल जाने के लिए। जा रहा हूँ सीधे अपने काम को। गाड़ी वाड़ी हो गई है, बाहर निकाल दी है, अब सीधे चलते हैं गोदाउन, फिर वहीं जाके मिलते हैं आपसे। ये बिना नहाए तो स्कूल आ रहा है मैडम, इसकी भी ये मुंह भी नहीं धो रहा। ये देखो ये दोनों जनों को फाइट सिखाई जा रही है स्कूल में, दोनों जने लड़ रहे मत से। ये गाड़ी चोर, ये मेरी गाड़ी की चाबी लेके चाबी दे। कैसे है? तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गोदाउन। कि हर आप पर डे मेरे हर ब्लॉग में देखते हैं कि मैं हमेशा अपने गोदाउन के पास आके इन खेतों के बीच में ब्लॉग ज़रूर बनाता हूं। पता नहीं क्या है मुझे, मैं यहां पे आके ज़रूर मेरा कैमरा ऑन होता है और मन करता है कि यहां पे से मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट भी करूँ। लेकिन आज मैंने ब्लॉग अपना घर से स्टार्ट कर दिया था। तो ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस चक्कर में मैं इस जगह को अपने ब्लॉग में ज़रूर लेता हूँ। तो पहुँच गया मैं अपने गोदाउन, अब अपनी टीम मेंबर्स को उठाता हूँ, क्योंकि वो कल रात भी लेट में आए थे, आपने देखा था कल के ब्लॉग में। तो मैं सीधे पहले उनको उठा लेता हूँ, फिर जाता हूँ, मुझे स्कूल जाना है, शिवालय के स्कूल, जहाँ आज मेरा कल का एनुअल फंक्शन है, तो वहीं जाता हूँ पहले। टूटिया होम कर लेता हूँ पहले नाश्ता, हमें यहीं हो रख दो, तो कर ले रहा हूँ नाश्ता पहले, फिर जाना है स्कूल। स्कूल जाना है क्योंकि अभी सीधे गोदाउन में ही हूँ, कोई आ गया था तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है पहले नाश्ता कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा। ये है आलू सब्जी, ये रोटी, ये मेरी पानी की बोतल। ये किस किस के फोन लगे भाई? चलो पहले खा लेते हैं खाना, उसके बाद जाते हैं स्कूल। तो पहुंच चुका हूं मैं अभी अपने घर से नीचे इकोटाउन के पास। ये मेरे पीछे बैक साइड में ये है इकोटाउन, ये सोसाइटी बनी है। अब लोग यहाँ पे प्लॉट अब लोग रहने लग गए हैं इकोटाउन में, पहले लोग रहते नहीं थे। तो पहले टमाटर की खेती थी एक टाइम पर, यहाँ पर खेती हुआ करती थी, फिर एक सोसाइटी कट गई है, अभी हो गए 5-6 साल, तो एक अच्छी सोसाइटी बन गई है। देखो कितना पीछे का बहुत अच्छा सा नज़ारा है यहाँ पे। तो भुप्पी से मिलना आया था, तो वो अभी घर, भुप्पी है नहीं अभी इस समय घर पे, वो कह रहा मैं आ रहा हूँ, तो वो यहीं पे नीचे तक गया है, कैमरेडी स्कूल हमारे घर के जस्ट बगल में, तो वहाँ तक गया, वो कह रहा मैं आ रहा हूँ जरा, उसके पापा की तबीयत ख़राब थी, तो उसने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो मुझे लेके जाना पड़ेगा, उसे साथ में जाना पड़ेगा। तो अभी मैं इसी जगह पर घर के पास उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो देखते हैं आता है क्या होता है। हाँ मैं पहुँच चुका हूँ सीधे शिवालय के स्कूल। ये टीचर्स वगैरह भी सब लोग आ गए, इनकी गाड़ी स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट हो गई लगता है, सारे बच्चे अंदर हैं, तो बसें वगैरह। अब ये लीड लानी थी मुझे, तो ये लीड लेके आया हूँ मैं, क्योंकि ये लीड मुझे देनी थी स्कूल में। लाइट्स वगैरह भी नीचे बिल्डिंग में लग चुकी है। वो वाला मेन गेट अलग था, अब ये दूसरा गेट से अंदर एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा ये फील्ड का गेट है। अब स्कूल की एक नई बिल्डिंग में तैयार हो रही है ये। लो नई गाड़ी में अभी चेयर्स भी आ गई है, स्टेज भी हमारा फाइनली ऊपर हो चुका है। अब यहाँ सेटिंग वगैरह कर देंगे, तो सर वगैरह यहीं पर ही है, ड्रेस भी हमने आधा ऊपर कर दिया है, तो अभी माइक टेस्टिंग चल रही है। चेयर्स आ चुकी है, स्टेज भी रखी है, अभी ऊपर कर दिया हमने, क्योंकि हमें होती बाद में दिक्कत, अभी बच्चे आए नहीं हैं इनके रिहर्सल में, आज मुझे लग रहा है अभी हुई नहीं है, अभी सुबह एंट्री करी थी इन्होंने दोबारा। ये बन चुका हमारा पैनल, अब 3 फेज की ज़रूरत पड़ गई है, साउंड में वोल्टेज क्लियर नहीं है कह रहे हैं, तो हमारे मदन भाई अब वायर फैला रहे हैं यहाँ पे। अब इनको 3 फेज की ज़रूरत पड़ी, तो पूरा बंडल खोलते हुए जाएंगे। और सेटिंग वगैरह भी हमारे सामने देखिए होने लग गए, स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बच्चे अभी स्टेज में आने लग गए हैं धीरे धीरे करके, उनका रिहर्सल का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब छोटे छोटे बच्चे
छोटे छोटे से बच्चे आ चुके हैं स्टेज में रिहर्सल के लिए। और ये पीछे से और बच्चे आ रहे हैं, इनका ड्रेस कोड अलग है, इनका ड्रेस कोड अलग है। वाह, सब लोग अलग अलग प्रोग्रामिंग के ये बच्चे बच्चे हैं। तो ये सब स्टेज में अभी रिहर्सल है इनकी, तो ये लोग आ गए। अभी इनके रिहर्सल दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो बच्चे भी अभी आने लग गए हैं, अभी बहुत सारे बच्चों को धीरे धीरे करके सारे अपने अपने क्लासेस से आ रहे हैं। सब लोग आज ड्रेस में ही आए हैं, ये लोग जो इनकी प्रोग्राम की ड्रेस है, क्योंकि इनकी आज लास्ट प्रैक्टिस है, रोज रिहर्सल चल रही थी, तो आज इनकी रिहर्सल का लास्ट डे है। कल फाइनल है, कल सीधे नए स्टेज पे अपना परफॉर्म करना है। तो मैम इनको सिखा रही हैं कि आइए यहाँ पे आकर, ये बच्चों की मस्ती कुछ और है यार। तो हाउस कैप्टन, एक ज़माने में हम भी अपने स्कूल के हाउस कैप्टन थे। स्कूल लाइफ तो बहुत बढ़िया लाइफ होती है, मज़ा आता है। स्कूल लाइफ तो कभी आदमी भूल नहीं सकता, स्कूल लाइफ हमेशा मिस करता हूँ मैं। स्कूल के मज़े ही कुछ और होते हैं, भले स्कूल में पनिशमेंट कितनी खाए उसके अलग ही मज़े होते हैं स्कूल में। स्कूल लाइफ दोबारा नहीं आती, एक बार जो है ना बचपन का, ये देखो सब लोग अपनी मस्ती में खोए हुए हैं। स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होना है, कोई प्रोग्राम होना है, 15 अगस्त आना है, तो उसके अलग ही वो हो जाता था कि अरे हाय डांस करने को मिलेगा, लड्डू मिलेंगे, बहुत चीज़ें हो जाती थी। तो सारे बच्चों ने अपने अपनी जगह पोजीशन ले ली है कि ये मतलब फील्ड में भी इनको बैठा दिया गया है। ये सारे बच्चे टीचर्स हैं, हाउस कैप्टन्स वगैरह ने गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे आप बैठिए, यहाँ पे करिए। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्हें यहीं से स्टेज में एंटर किया जाएगा, उनकी सबसे सबकी एक बार रिहर्सल हो जाएगी एक एक बार। बड़ा लास्ट रिहर्सल अब कब तक खींचता है प्रोग्राम, देखते हैं अभी कितना बचता है इनका प्रोग्राम करने में, इनको कितना टाइम लेंगे ये लोग। सारे बच्चे लोग, टीचर्स लोग वगैरह हैं यहाँ पे। लेकिन जब भी काम का स्टार्ट लगाऊंगा तो एक ही बार में होगा। ये क्या बना दिया भाई, एक कार्टून इसको फेस में लगाएंगे लोग। तो बच्चों को फोटो सेशन हो गए, मैडम लोग 1 2 3 करके उनके वो कर रहे हैं। ये भाई फ्लावर से लेकर, हाँ अभी टाइम है, हमारे ट्रस्ट पर करवा रहे हैं पकड़ होकर, क्योंकि अभी ये स्टेज में आ रहे हैं तो ट्रस्ट बहुत डाउन थी, तो मैम पीछे ऊपर से एंकर करेंगे। ठीक है सर भी आ गए। We have often sung this prayer, but rarely applied in life. तो सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे बच्चे। सब लोग को हमने आगे बैठा दिया गया, तो सिटिंग है वो सीधे बैक साइड में करी गई है, इतनी दूर इतना गैप है, क्योंकि आगे को आई थिंक सोफा लगाया जाएगा। We have often sung this prayer, but rarely applied in life. तो मैम टेस्टिंग कर रही हैं अभी, क्योंकि मैम को स्पीच वगैरह देनी है जो प्रिंसिपल मैम है। हेलो, वी हैव ऑफन संग दिस प्रेयर but rarely applied in life, and today we are here to reiterate these sentiments in our own unique way to create happiness. Good evening to all present here. Honorable chief guest, kya jata hai, muskuraiye kyunki aap shivalik mein hain. To school mein program start ho gaye, bachcho ke liye rehearsal chalu ho chuki hai, to main ja raha hu abhi colors garden banquet hall, kyunki wahan se bhi call aa rahi hai। तो जब तक मैम टीचर्स वगैरह यहाँ बिजी हैं, बच्चों लोग के जब प्रोग्राम चल रहे हैं, तो एक राउंड में जब तक क्लास गार्डन बैंकेट हॉल हो आता हूँ, क्योंकि वहाँ से क्योंकि उनका भी कल का प्रोग्राम है तो मुझे जाना पड़ेगा एक राउंड, तो समझा आता हूँ। देवेंद्र भाई सर भी आ चुके हैं यहाँ काम में, तो आज कल आज लेट गए थे, इन्हें कल 3:30 बज गए थे, तो आज थोड़ी लेट हो गई। तो अब सीधे हम जा रहे हैं क्लास गार्डन बैंकेट हॉल दोनों, तो हम जा रहे हैं, हम रास्ते में हम लोग सीधे क्लास गार्डन बैंकेट हॉल। तो गाड़ी यही चला रहे हैं देवेंद्र भाई, और मैं बैठा हूँ पीछे। तो हम लोग लगे हुए जा रहे हैं, तो अभी सीधे जाके सीधे वहीं पहुँचते हैं, तो वहाँ देखता हूँ अभी क्या कह रहे हैं। मैं इनके सामने तो ब्लॉग बना नहीं पाऊँगा, लेकिन घर जाके सीधे बैंकेट पे जाके आप सीधे शूट करता हूँ, वहीं जाके मिलता हूँ आपसे। तो अब मैं सीधे पहुँच चुका हूँ क्लास गार्डन बैंकेट हॉल, ये रहा पीछे का मेन गेट, और ये पीछे हमारी फ्रंट की पार्किंग है। तो जाता हूँ अंदर, एक गैलरी है, अभी गैलरी में लोग कपड़ा अपना लगाए रहे, टेंट लग रहा है अभी यहाँ पे। यहाँ का वाटरफॉल पूरे फीस बनी हुई है, ये सामने स्टॉल्स जगाना लगता है, ये हटे लग गई है। मुकेश और देवेंद्र बातचीत कर रहे हैं अपनी, लगे हुए हैं बातों।
have all for respect for yourself and you will be happy. Jai Hind. अब रिहर्सल हो गई पूरी, अब हमें ट्रेस करनी डाउन। बच्चे भी जाने लग गए हैं घर को, तानिश भाई भी आ रहे हैं, जरा कुछ कहने हैं तो बच्चे जा रहे हैं, लाइन भाई इन्हें भेज देते। तो अब रिहर्सल अब शाम की थी, अब देखते हैं शाम को होती नहीं होती है, क्या करते हैं। बाकी तो फाइनली सबका ओके हो गई है, सब मार्क्स से करते हैं कि सब ठीक है, सब ने अच्छे से प्रोग्राम किया है। तो अब आ गया हूँ मैं, एक हमारे स्कूल के बगल में रेस्टोरेंट है तो वहाँ से मोमो खाने, भूख लग गई थी, मैंने कहा थोड़ा मोमो खा लेता हूँ। किसी ने कहा कल कोई मोमो लाया था हमारे वहीं के टीम मेंबर, उन्होंने कहा मोमो खाओगे, तो मैंने मोमो खाए तो अच्छे लगे, मैं खुद मोमो खाने आ गया हूँ। अब भैया लगा रहे हैं यहाँ पे, मोमो भी आ रहे हैं मेरे आ गए हैं मोमो, तो पहले खा लेता हूँ। मोमो अच्छे लगते हैं यहाँ पे के, तो इसकी डिजाइनिंग भी सबसे अलग है, क्योंकि तो बहुत दिनों को मोमो नहीं खाए, तो आज ज़रा खा लेता हूँ, कभी कभी खाता हूँ ऐसे तो साल 6 महीने में। अब मोमो वगैरह तो खा लिए हैं, अब चल लेता हूँ सीधे पार्टी का जाना। तो अब मैंने बाल वगैरह कटा लिए, कमेंट करके बताएं कैसे बाल कटे हैं। तो मैं बाल कटा लिए क्योंकि कल का स्कूल का प्रोग्राम है, थोड़ा सही बनने का, थोड़ा बाल बहुत बड़े हो गए थे। तो अब सीधे जा रहा हूँ वाटिका बैंकेट हॉल, क्योंकि स्कूल का फाइनल हो गया, पूरा कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट हो गया, कल को फाइनल है, कल को देखते हैं, कल को प्रोग्राम अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की रिहर्सल आज दिन में कंप्लीट हो गई थी, रात का हमें टाइम नहीं मिला, कि थोड़े बहुत बच्चे थे बड़े तो उनकी रिहर्सल करवा दी गई, तो उस टाइम पर मैं ब्लॉग बनाया नहीं पाया, तो सीधे मैं आ गया था बैंकेट हॉल, उसके बाद मैं चले गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सीधे वाटिका बैंकेट हॉल, तो वहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम है, तो वहाँ तो कॉल आई है एक बार आ जाइए करके, तो वहाँ पे भी जाना है, क्योंकि वहाँ के मैनेजर सर मुझे बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं एक बार आप मिलने आ जाइए। तो मैं जाता हूँ, इस टाइम पहुँच गया मैं मोखानी चौराहे रोड में हूँ, तो गाड़ी चलाते चलाते अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये रही मेरी अपाची, ये रही मेरी गाड़ी, तो गाड़ी चलाते चलाते ही ब्लॉग बना रहा हूँ, तो माएगा कुछ है नहीं। तो चलते हैं सीधे अब। ओहो लाइट जलाई नहीं मैंने, ये चलाई अब लाइट, तो लाइट जलाई नहीं थी, अब गाड़ी स्पीड में, तो फर 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 आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि हवा चल रही है ना बहुत तेज़, और ठंडा भी यार मौसम भी बहुत ठंडा है, दिन में तो धूप थी थोड़ा, उतना अच्छा उतना ठंडा नहीं था, तो गर्म हो ही रही थी, तो अब रात में तो बहुत ठंडा हो रहा है। और ऊपर से हमें वाटिका जाना है, वो पहाड़ों के उधर है, क्योंकि उसके जस्ट बगल में है, आधा किलोमीटर ऊपर पहाड़ पड़ने लग जाते हैं सीधे पहाड़ों में, तो वहाँ तो और ठंडी हवा चलने लग जाती है, वहाँ गर्मियों में ही ठंडी हवा आती है, तो जाड़ों में तो कैसी आएगी बताइए। तो चलते हैं हम सीधे बैंकेट हॉल, सीधे वहीं जाके आपसे मिलता हूँ। तो आ गया हूँ घर, ये क्या लग गया, ये लग रहा है नेपाल का कुछ लग गया था भाई भाई। तो आ गया हूँ घर अभी, ऑन है गाड़ी, ऑन ही छोड़ दी, वाह वेरी गुड, जो LED है डाउन नहीं होगी बैटरी। तो अब जा रहा हूँ सीधे घर, आ गया था दोबारा बैंकेट जा रहा था, तो भैया की कॉल आई कि घर आ जा, जरा कुछ काम था, तो अभी वो पहुँचे नहीं, तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या कहते हैं काम आम, तो चलो ये भी आ रहे हैं, बस तो अभी दोनों जने आ रहे हैं, तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, गाड़ी दोनों करिए शायद स्विफ्ट लेके गए दूसरी गाड़ी, तो देखता हूँ कहाँ जाना है, तो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद सीधे, अब वाटिका ही जाऊँगा, या मुझे MBBG कॉलेज भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर देखना पड़ेगा कि क्या काम है क्या नहीं है। मैच तो क्या, हमारे बगल में भाई रहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम था, मेरा नाम, इनको अपना नाम याद नहीं है, अब नाम बता, रुको देखने दो, मैं कितने, अबे अपना नाम बता, मेरा पीयूष, पीयूष भाई है हमारे साथ, हमें जस्ट बगल में, पीयूष कहते हैं, मैं भी भूल गया था अभी, इनका चैनल है यूट्यूब पे, ये भी उसमें गेम पहले गेमिंग वगैरह पबजी वगैरह के गेम वगैरह अपलोड करते रहते थे, तो अभी इन्हें म्यूज़िक का ज़्यादा शौक है, तो ये सोचते हैं कि मैं, ये चाह रहे हैं कि मैं जॉकी बनूँ, अभी 11th स्टैंडर्ड में छोटे हैं, तो लगे पड़े हैं, इनका भी अपने चैनल है अभी स्टार्ट किया है, कह रहे कि मैं कुछ करूँ, मैंने ठीक है कि अब जॉकी वगैरह बनूँ, तो मैं साथ हैं इस समय, हम घर में ही हैं, मेरे घर के पास ही हम लोग साथ में बैठे, तो अभी मैं भैया का इंतजार कर रहा था, तो ये आ गया पीयूष, तो बता रहा था कि मैंने आपकी वीडियोज़ वगैरह देख रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है गुड भाई, बहुत बढ़िया बात है, तो अभी आए हैं, तो अपनी वीडियोज़ वगैरह दिखा रहे थे कि मैं अभी गेमिंग की वगैरह पबजी वगैरह खेलते हैं, तो उसकी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, तो मैं नहीं चलो ठीक है इनको मिल लेता हूँ, तो मैं इनसे मिला, मैंने कहा चलो ठीक है एक साथ में एक ब्लॉग बनाया था आपके, तो आगे मिल बने रहिए, तो मुझे जाना है मुझे, लेकिन मैं भैया का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी देखता हूँ कितनी देर में आते हैं, अभी आधा घंटा हो गया उनका इंतज़ार करते करते। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ वाटिका बैंकेट हॉल, अभी तो ये ऐसी मैटे वगैरह ऐसी रखी हुई हैं क्योंकि सामान ढका हुआ है सोफे वोफे, उससे बहुत हो जाएंगे गीले, तो पीछे ऊपर चढ़े हुए हैं हमारे मिस्टर उज्ज्वल भाई, तो ये ऊपर में वहाँ पे देखें बहुत मेहनत करते हैं, तो लगे बने पीछे को टेंट वगैरह स्टॉल, ये अभी स्टॉल को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा काम बचा हुआ नहीं है, अभी बहुत काम बचा हुआ है, सॉरी
ये, क्योंकि अभी टेंट का कपड़ा भी लग रहा है तो इसमें फिर ये लोग काम करते रहेंगे। अभी ये उज्ज्वल भाई चढ़े हुए हैं ऊपर, सरदार की तरह पगड़ी बांधी है इन्होंने, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठ के फिर भाग जाते हैं। ये वैसे राइडर हैं, ये टेंट लग चुका है, अभी स्टेज भी इनकम्प्लीट है, कल देखिएगा आप कल के व्लॉग में। लेकिन कल क्या पता मुझे कहीं निकलना पड़े, तो क्या पता मैं कल यहाँ पे ना आ पाऊँ, क्योंकि कल मेरा कहीं और भी कॉन्सर्ट है। और ये पूरा अभी लगी रहा है हवा, देखो कितनी तेज़ चल रही है, क्योंकि इससे थोड़ी सी ऊपर इस साइड को यहीं पे पहाड़ है, मतलब 1 किलोमीटर में, तो इसलिए वहाँ हवा बहुत चल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। लोगों ने कान तक बांध रखे हैं, सूरज भाई बैठे हैं ऊपर, ये देखो कितने 30 फीट ऊँचे ऊँचाई में बैठे हैं, ये जूम करके दिखाना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि इतना क्लियरली आएगा नहीं है। और यहाँ अंदर अभी हॉल में मेहंदी का प्रोग्राम है, तो अंदर जाएंगे अभी, पहले फील्ड का लोगों को इनको समझा देते हैं कि क्या क्या स्टॉल्स वगैरह लग चुके हैं। स्टेज अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो फ्लावर वाले जो फूल का काम करते हैं वो इसको कम्प्लीट डेकोरेट करेंगे, उसके बाद हमारा काम रहेगा। और गैलरी वगैरह में बचा है अभी काम काफ़ी। तो पहुँच चुका हूँ मैं अभी, जो हमारे टीम मेम्बर्स हैं उनके लिए खाना लेना था, तो आ गया हूँ मैं समा, ये हमारे वहाँ रोडवेज में है, तो खाना वगैरह ले ले रहा था। तो देवेंद्र अंदर काउंटर में, मैंने उससे कहा कि तुम कहा, क्योंकि बहुत भीड़ है वहाँ पे, ये आधा घंटे से ऊपर हो गया मैं खड़े खड़े, तो मैंने कहा ब्लॉग बना लेता हूँ जब तक, क्योंकि मैंने कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ कुछ भी चीज़ है आपसे शेयर करता हूँ और एक चीज़ बने रहता हूँ उसमें। तो रोडवेज में बहुत जाम है, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे, तो अब देवेंद्र अंदर खाना ले रहा है अभी, अंदर भीड़ बहुत है, समा रेस्टोरेंट अदा, तो देवेंद्र भाई अंदर खाना ले रहे हैं, तो बहुत भीड़ बहुत हो रही है अंदर यहाँ पे अभी। तो देवेंद्र भाई खाना ले रहे हैं, खाना पैक हो गया, तो खाना पैक हो गया, तो खाना पैक करवा रहे हैं, लगे बैठे हैं। अभी कितना है, कितना पैक हुआ, दाल कितनी हो गई, 18 दाल और बाकी रोटी, तो सबके लिए रोटियाँ पैक कर रहे हैं, तो लगे हुए रहे हैं। ये देखिए ट्रैफिक कितना हो गया है हल्द्वानी में इस समय, ये पूरा जैम, बाप रे, थोड़ी सी चीज़ के लिए थोड़ा जाम कितना हो जा रहा है, और आगे पूरा खाली है, बस ये गाड़ी ने जाम लगाना था पूरा, पूरा पीछे देखो वहाँ तक पूरी बस इतनी खड़ी है, पूरा जैम कर रखा पूरा इलाका, एक गाड़ी के चक्कर में इतना जाम लग रहा है यहाँ पे। तो हमारा खाना ही बन रहा है अभी, तो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन समा दो हैं यहाँ पे, एक वेज और एक नॉन वेज। तो दाल मेरी पैक हो चुकी है, इतनी 18 दाल हैं तो पैक कर रहे हैं भैया, यहाँ पे लगे हुए हैं तो ये पैक कर रहे हैं अभी दाल खाना, तो भैया यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सारी मेरी दाल है ना, अब जब मैं जो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ MBBG कॉलेज, यहाँ देवेंद्र भाई खाना आना लेके, ये लोग आगे को जा रहे हैं, तो हम भी चलते। टेंट पूरा ऊपर तक कवर्ड हो चुका है, झूमर भी लग गए हैं, लाइट्स पूरी लग गई, लेकिन अभी लाइट्स ऑन नहीं करी है, गद्दे वगैरह मैटिंग वगैरह हो गई, चेयर्स वगैरह बिछ गई, क्योंकि कल से स्टार्टिंग है, स्टेज भी फाइनल है यार, गुड। अभी गए नहीं, अभी जाते हैं स्टेज की और आपको स्टेज दिखाता हूँ। तो बैठा हूँ अभी बैंकेट हॉल में ही, तो अब खाना वाना मंगा दिया अपने लिए, तो खाना आ गया मेरा, तो खा लेता हूँ खाना, क्योंकि अब भूख लग गई है, रात हो गई काफ़ी। ये आ गया है मेरा खाना, पनीर, ये दाल, रायता, ये रहा रोटी, ये मेरी पानी की बोतल आ गई, तो मैं खा लेता हूँ पहले खाना, तो बाहर ही आराम से बैठ के ठंडे में खाना खा रहा हूँ। तो गाइस मैंने खा लिया है खाना, खाना वाना खा लिया है, आप काम की तैयारी कर रहे हो, ये देखिए मेरे बैक साइड में ऊपर पूरी लाइट्स वगैरह लग गई, झूमर भी है, क्योंकि मैंने झूमर चेंज करने हैं, तो उसके लिए नीचे रखे हुए हैं झूमर, तो ये बड़े वाले झूमर लगेंगे, छोटे जो है इसको कैंसिल करके, क्योंकि मैं था नहीं, इन्होंने अपने मन से लगवा दिए हैं यहाँ पे, तो ये चेंज होगा। अभी टेंट का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अपना फिर भी कर लेते हैं, तो हमने अपना काम तो करना ही है, हमें दूसरों से क्या मत कि उन लोग को थोड़ी बहुत लेट हो जाएगी, वो लोग का ज़्यादा नहीं बचा है हमारे बीम का, जो हमारे कवरिंग का हमें काम करना होता है, तो वो लोग उसे फाइनल करके तो जा चुके हैं, बाकी वो लोग सुबह करेंगे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, क्योंकि अभी वो कपड़ा लगाएंगे, टेंट लगाएंगे, तो हवा में उड़ के और सुबह पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बंगाली कपड़ों में काम होता है। तो अब खाना वाना खा लिया हमने, अब जाने के करेक्ट 12 बज रहे हैं, करेक्ट 12 बजे खाना खाया, 12:03 हो रहे हैं कि मैं खाना वाना खा के फ्री हो चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे काम बचा हुआ है, फिर हमें मुझे जाना पड़ेगा MBBG कॉलेज, क्योंकि एक राउंड वहाँ लेना है, फिर उसके बाद मुझे जाना है, फिर उसके बाद मुझे फिर चले जाऊँगा घर, क्योंकि सुबह 5 बजे नितिन भाई आ रहे हैं दिल्ली से,
तो फिर मुझे सुबह उठना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि वो कह रहे हैं 4-5 बजे मैं हल्द्वानी पहुंच जाऊंगा, तो 4 बजे मैं बस स्टेशन जाऊंगा, उन्हें लेने भी नींद भी पता चला मैं सोया रह गया हुआ है नहीं, वो इंतज़ार करते रह गया, उन्हें हल्द्वानी का कोई रास्ता पता नहीं है क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं, उनको दिल्ली का पता है, हमें जैसे हल्द्वानी अपने उत्तराखंड की हर एक चीज़ एक हर एक रास्ता पता है कि कहाँ पर भी आदमी बुलाएगा हम तुरंत रात के 2 बजे भी वहाँ पहुँच जाएंगे, तो उनको लेने सुबह टाइम से जाना है, तो सोच रहा हूँ कि टाइम से सो जाऊँगा, तो अभी तो 12 बजे है, पहले यहाँ का काम फाइनल करूँ, उसके बाद भी कोशिश करूँगा कि अभी 12 तो हमारे नॉर्मल बात है कि हम कितने बजे तक सोएंगे, तो अभी बने रहिए मेरे साथ, अभी आप आपको आगे दिखाता हूँ कि मेरा अभी कितना काम बचा है। झूमर कैंसिल करें, वो इटालियन था, वो इटालियन को कैंसिल करके ये वाला लगाया, ये डबल स्टोरी का झूमर बड़े है, और ये कैंडल्स वगैरह है, ये लगने के बाद आपको बहुत अच्छी लगे, अभी तो हमने ऐसी फील्ड में रखी हुई है, टीस वगैरह ये जो ऊपर है ये वाला चेंज होके ये लग जाएगा, बाकी इसमें भी पूरी लाइट्स लग चुकी है। तो पहुंच चुका हूँ मैं अपने घर, काम से काम निपटा दिया, काम निपटा के अब रात के बज गए हैं 2, तो 2 बजे मैं ज़्यादातर 2 बजे तक अपने घर टाइम से घर आ जाता हूँ, तो रात के 2 बज चुके हैं, तो मैं आ गया हूँ घर, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी, और जो नए हैं वो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस उन्हीं के लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो मेरे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में।